subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas. स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं अभी इस मौसम में, क्योंकि इकरा की शादी तो हुई थी सर्दियों में। हाँ। तो वो तो दोपहर की शादी थी और वो बेस वेस तो उसकी परफेक्ट रही थी, लेकिन अब गर्मियों में नॉर्मली दोपहर की शादियां कम ही नहीं होती, धूप इतनी ज्यादा, लेकिन फिर भी रात को भी इतनी गर्मी होती है ना। हाँ, और आउटडोर शादियों का ट्रेंड चल रहा है अभी तक, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? बेस फाउंडेशन, अगर आपकी स्किन बहुत अच्छी है तो कोशिश करें कि कम से कम, जितनी लेस फाउंडेशन होगी उतना देर तक मेकअप चलेगा। अच्छा। ये लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट होता है कि हम जितना अच्छा फाउंडेशन पाउडर चीजें लगाएंगे तो हमें देर तक चलेगा, वो जल्दी क्रैक करता है। अच्छा, जैसे कुछ चेहरे होते हैं ना उनको पसीना थोड़ा ज्यादा, जैसे मेरी बहन है, मेरी ही बहन है, मेरी छोटी बहन, मुझे नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन वो बेस लगाती तो उसकी बेस गायब हो जाती क्योंकि उसे पसीना बहुत है। मैं आपको दिखाता हूँ एक मिल्क मेकअप वाले है। अच्छा, बाज जैसे कंपनी है मिल्क, उसके अंदर एक आइस सीरम आया है। जी जी। और नॉर्मली अगर नहीं भी है, अगर ऐसा तो आप मेकअप करने से पहले अपने फेस पे आइसिंग अच्छी कर ले, या जो बाउल के अंदर पानी ठंडा डाल के अपने फेस को। ये उन लोगों के लिए टिप है जिनके मुंह पे मेकअप टिकता नहीं, टिकता है। नहीं है। और एक छोटी सी टिप मैं और देता हूँ, अक्सर ये होता है कि जिनका, उनको पता है कि भी हम रोज मेकअप कर रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं तो मेकअप हमारा जल्दी फैल जाता है, तो आप उसमें जो आइस क्यूब्स होती है ना उसके अंदर टोनर और रोज वाटर को मिक्स करें, एक बॉटल पानी और एक बॉटल के अंदर टोनर, या अगर जैसे बहुत ऑयली स्किन है तो इंस्टेंट और रोज वाटर को मिक्स करें और उसके क्यूब्स बना के फ्रिज में रखें। अच्छा। मेकअप से पहले जस्ट आपने फेस पे वो क्यूब लगाया, आपकी स्किन देखिएगा ना आपको पसीना आएगा ना आपका फाउंडेशन ज्यादा। टोनर और आपने क्या बताया? इंस्टेंट, टोनर या इंस्टेंट में से कोई एक चीज, और रोज वाटर। अच्छा, रोज वाटर ऑर्गेनिक वाले रोज वाटर आप बहुत मिलते हैं, ऑर्गेनिक रोज वाटर, और अगर बहुत कम ऑयली है तो टोनर लगा लें, किसी भी कंपनी का टोनर। okay. और अगर बहुत ऑयली है तो इंस्टेंट, इंस्टेंट इज अ थोड़ा सा हैवी होता है टोनर से, वो जल्दी वो कौन सी प्रोडक्ट्स का मिलता है, कौन सी हर कंपनी के अंदर इंस्टेंट इज अ, जैसे ना फेस वॉश स्पेल करें इसको इंस्टेंट की, आई से, हाँ आई से इंस्टेंट, और वो किस लिए होती है? बेसिकली क्या करता है वो कि आपकी जो पोर्स है ना उनको मिनिमाइज कर देता है फॉरन, जैसे टोनर आपकी स्किन को टोन कर देता है ना, वो अगर आपके बहुत ऑयल ग्लैंड्स हैं और बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है तो वो फॉरन उसको बंद। औरतों को यहाँ होती है प्रॉब्लम गालों के करीब, स्पेशली नोज की साइड पे, लेकिन आप ये आजमा के देखेंगे, मेरा तो, मेरे तो सैलून में रखा होता है। अच्छा। तो अगर मेरे पास कोई ब्राइड आती है या मुझे लगता है कि यार लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होगी तो मैं लड़कों से कहता हूँ पहले इनकी फेस पे जरा आइसिंग कर दो ताकि मेरा मेकअप के लिए रेडी हो जाए। okay. उसके बाद आप प्राइमर लगाएं, और प्राइमर के लिए भी नॉर्मली होता है लोग सोचते हैं कि भी कोई भी प्राइमर उठा लेते हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप वो प्राइमर लें जो आपके पास क्रीम बेस में आता है। okay. जो व्हाइट क्रीम बेस में मैक में भी आता है, प्री प्राइम के नाम से आता है, लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप वो प्राइमर लें जो ट्रांसपेरेंट हो, जो वाटर बेस हो, जेल फॉर्म में हो। okay. क्योंकि अगर आपकी स्किन ऑयली है और अगर आपने लगा लिया वो वाला क्रीम वाला प्राइमर तो आपका मेकअप वैसे भी नहीं टिकना। तो इसलिए प्रोडक्ट लेते वक्त एटलीस्ट अपने, और अब तो हम लोगों ने ये, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप, हम लोग अब आपके पहुंच में करीब हैं, आपके प्रोग्राम के थ्रू हम कितनी सारी चीजें बता देते हैं कि आप सबसे पहले जाने कि आपकी स्किन टाइप क्या है। okay. उसके बाद उसकी प्रोडक्ट्स खरीदिए। okay. क्योंकि 90% मुझे ऐसा लगता है कि खवातीन गलत प्रोडक्ट, ये जो है इनके चेहरे पे हल्के हल्के पिंपल हैं तो इनकी क्या ड्राई है क्या ऑयली है क्या है? इनकी कॉम्बिनेशन स्किन है लेकिन ऑयली भी है, आई थिंक है ना, ऑयली भी है आपकी स्किन, लेकिन ज्यादातर ये नोज एरिया थोड़ा ऑयली है, लेकिन अगर चीक्स ड्राई है, लेकिन इनके बहुत ज्यादा पिंपल्स नहीं है, हल्की एक्नी है। और एक मैं, मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिकॉज मेरी भी बहुत एक्नी स्किन थी, तो मैं ये कहता हूँ कि जिस एक्नी स्किन के लिए लोग बहुत प्रोडक्ट यूज करते हैं, लेकिन आज मैं बहुत सस्ता सा एक 25-30 रुपए वाला फॉर्मूला आपको बताया था। जब भी आपकी फेस पे एक्नी स्टार्ट हो, स्टार्ट यूजिंग सोप, नॉर्मल सोप से फेस वॉश करें। उससे क्या होता है कि आप जब आपकी स्किन पे एक्नी डेवलप होती है और अगर फेस वॉश यूज करते हैं तो उससे हल्का सा ऑयल आपकी स्किन पे रह जाता है, वो जल्दी आपकी एक्नी को डेवलप करता है। लेकिन अगर आप सोप से फेस वॉश के बजाय सोप यूज करते हैं तो आपकी स्किन ड्राई रहती है। बेसिकली क्या होता है, जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं एक्नी वाले, तो वो दवाइयाँ देते हैं जिससे आपकी स्किन ड्राई हो, तो जब एक चीज से वैसी ड्राई हो रहा है फेस, तो उसको खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। आप बेस कौन सी लगा रहे हैं मुझे बताएं, क्योंकि फिर मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। आप कौन सी बेस कौन सी ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं इस वक्त मैक यूज कर रहा हूँ, मैक का 20। इकरा के ऊपर भी मैक ही यूज किया था। अच्छा,
मैक डायरेक्ट बस एक ही बेस लगाई थी, दूसरी एक ही बेस है। मैंने सिर्फ अभी इनके मैं वैसे कवर करूंगा, इकरा के फेस पे कोई ऐसा मार्क नहीं था, मैं इसको हल्का सा कवर करूंगा। और कवर किस चीज से करेंगे? कवर में एक मेरी फाउंडेशन है, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है फाउंडेशन, इट्स डर्मा। डर्मा वो आपको पता है मेरी हमेशा से फेवरेट है। exactly. तो डर्मा दुनिया जहान घूम लिया, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हम कमर्शियल के लिए मेकअप कर रहे होते हैं, या हम फिल्म के लिए करते हैं, या हम ब्राइड्स के लिए स्पेशली कर रहे होते हैं, तो अगर आप बड़े ब्रांड्स आप देखें, लोग से कहते हैं यार हमारे पास फला ब्रांड की अच्छी है, फला ब्रांड की बिल्कुल अच्छी है, मगर वो उस वेदर के लिए जहाँ पर वो बन रही है, यहाँ पर अगर आप ऑयल बेस्ड फाउंडेशन यूज करेंगे तो जब आप जितनी देर में अगर फर्ज करें मैं इनके फेस पे अरमानी लगा के इनको मैं स्टेज पे भेज दूँ, तो थोड़ी देर बाद अरमानी बहके ना सारे अरमानों के साथ बहेगी वो, इसलिए जो है वो उस वेदर के लिए है। तो वहाँ लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि डर्मा से अच्छी कोई वो फाउंडेशन। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद आके हम आपको बेस के बारे में बताते हैं। इकरा के ऊपर भी वकार ने मैक यूज की थी और यहाँ हमारी मॉडल के ऊपर भी मैक यूज कर रहे हैं डर्मा से ये कंसील करके, बहुत लाइट कंसील, बहुत हल्का सा कंसील ताकि वो एक बेस बहुत ज्यादा ओवर क्रीमी ना लगे। इस वक्त वकार हमें जैसे उन्होंने इकरा का जो मेकअप किया था, जो आई मेकअप और बेस का जो शेड था वो दिया था, वही हमें करके यहाँ ऑन एयर दिखा रहे हैं। और इस वक्त वकार ने पूरी बेस लगाई है जिसपे इन्होंने बताया कि मैक की बेस इन्होंने इकरा पे भी यूज की थी 20 नंबर, और कंसीलर जो है वो एज कंसीलर उन्होंने डर्मा की बेस यूज की है जिससे सारे पिंपल्स छुप चुके हैं और एक फ्लॉलेस लुक आ रही है। और बहुत आप अगर देखने तो बहुत कम फाउंडेशन है, मैंने बहुत समझे से उसको कवरेज दी है डर्मा से ताकि वो आपके दाने छुप जाए, और बाकी जो है वो बहुत फाइन फाउंडेशन लगाई है। बाद में आपने थोड़ा शिमर वेमर भी अप्लाई किया होगा ना इकरा पे? नहीं अब हाँ शिमर, लेकिन मैं इसमें भी करके दिखाऊंगा, वही सेम शिमर करके अप्लाई करके दिखाऊंगा। अभी मैंने सिर्फ इस पे जो है वो फाउंडेशन लगाई है और कॉन्टोर किया है। कॉन्टोर में आपको बता देता हूँ कि वैसे फेस के हिसाब से इकरा का मुंह बहुत छोटा सा है, इनका फेस शेप डिफरेंट है, इसकी चीक बोन्स बहुत अच्छे हैं, तो मैंने चीक बोन्स के हिसाब से। कॉन्टोर के लिए आप क्या समझते हैं बेहतर कौन सी प्रोडक्ट हो? कॉन्टोर में देखिए कोशिश ये करें कि जो ब्राइड्स हैं, ब्राइड में कॉन्टोर का जो सेक्शन है वो बहुत कम होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो फोटोग्राफी तो समझ आती है कि फोटोग्राफी भी होती है उनकी, लेकिन ज्यादातर लोग तो उनको सामने से देखते हैं, नेकेड आई से देखते हैं, तो जो कॉन्टोरिंग हम फोटोग्राफी के हिसाब से करते हैं उसका हम 10% खाली ब्राइड्स पे करते हैं। ओके, क्योंकि फोटोग्राफी तो आजकल इतनी एडिटिंग भी आ गई है, तो अगर वहां फील होगा कि दुल्हन का कॉन्टोर कम है तो वो एडिटिंग में भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कॉन्टोरिंग से ना दुल्हन के फीचर्स बहुत शार्प हो जाते हैं और वो पहचाने भी नहीं जाती, क्योंकि देखिए अगर आप देख रहे हैं ये जो लाइट्स है इनके अंदर कॉन्टोरिंग होगी तो वो ब्लेंड हो जाएगी, लेकिन आम जो अब जो फोटोग्राफी होती है उसके अंदर बहुत लाइटें नहीं हो रही होती, तो अगर नॉर्मल आप कॉन्टोरिंग करते हैं तब भी वो आफ्टर फिनिश भी बहुत अच्छी आ जाती है। तो इसीलिए आपको दुल्हन का मेकअप करते हुए खास तौर पर ये ख्याल रखना पड़ता है कि उसका मेकअप ऐसा हो जो नेचुरली भी बहुत प्यारा लगे, और दुल्हन को भी ये ख्याल रखना चाहिए कि हमें दुल्हनें फोर्स करती हैं कि देखिए प्लीज कॉन्टोरिंग हैवी कर दीजिएगा। कॉन्टोरिंग हैवी करने से ना आपकी मेकअप क्वालिटी एकदम से अननेचुरल हो जाती है और वो लगता है कि हाँ मुंह पे कुछ लगा, वो फ्रेशनेस एकदम गायब हो जाती है। कॉन्टोरिंग इट्स गुड फॉर द स्क्रीन, लेकिन जो आम जिंदगी के अंदर कॉन्टोरिंग, और कॉन्टोरिंग का जो आम जिंदगी में कलर होना चाहिए वो पिंकिश ब्राउन होना चाहिए, वो पूरा ब्राउन नहीं होना चाहिए।